हेलो जी नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार एके आपका जुभा एंड वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ अज्जू के अपडेट, जहां पर हम करते हैं फिल्मों के अपडेट्स की बात एक साथ। सबसे पहली बड़ी और बड़ी अपडेट सामने आ रही है नितेश तिवारी के रामायण को लेकर, जहां पर ये रामायण अब ग्लोबल रामायण बन चुकी है। आई मीन टू से इस मूवी को अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर मिल चुका है और वो है नन अदर देन वार्नर ब्रोस। अब जिनको पता नहीं वार्नर ब्रोस कौन है उनके लिए बता दूं, ड्यून, एक्वामैन, डीसी की जितनी सारी फिल्में हैं, अभी जो आ रही है जोकर 2 उन्होंने ही बनाई है और बहुत सारी हैं। अब सोचो इंडिया के रामायण का परचम 3 पार्ट्स में बाहर भी लहराएगा, कितना मजा आएगा। सही बात है। प्रोड्यूसर नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा एंड प्रोड्यूसर यश का ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, मैंने देख ली है। देखो इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन तो है इसके डायरेक्टर इम्तियाज अली, जिन्होंने इससे पहले रॉक स्टार, जब वी मेट एंड हाईवे जैसी फिल्में बनाई है। एंड चमकीला मूवी अमर सिंह चमकीला नाम के लेजेंडरी सिंगर की बायोपिक है, जहां पर बताया गया किस तरीके से वो फेमस होता गया और फेमस होना किसी को हजम नहीं हुआ तो उसका मर्डर कर दिया गया, साथ में उसकी वाइफ का भी। और जिस तरह म्यूजिकल ड्रामा के साथ इसको दिखाया गया है ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज टू गुड। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी मूवी में दिलजीत को बिना पगड़ी के देखा है। अब दिलजीत खुद एक बड़ा सिंगर है तो इसमें खुद ही उसने गाने भी गाए और परिणीति चोपड़ा ने भी सुर का ससुर किया है कुछ ऐसे। अगली खबर है रजनीकांत की जेलर 2 को लेकर, जहां जेलर 2 तो बनने वाली है लेकिन उसको टेंटेटिवली नाम दिया गया है हुकुम, टाइगर का हुकुम। मतलब फाइनल नाम कुछ और भी हो सकता है या फिर ये भी रख सकते। क्या तुमको ये नाम पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे इस मूवी की शूटिंग एंड ऑफ दिसंबर या फिर अर्ली 2025 में स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजनीकांत एंड लोकेश नगराज की थलेवार 171। अब थोड़ी सी बात कर लेते कलेक्शन की, जहां पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो गए और इसकी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बताई जा रही है 1900 एंड इंडिया में ही कमा लिया 100 crore। वही बड़ी मियां छोटी मियां की सेकंड डे का कलेक्शन बताया जा रहा है 55.14 crore और मैदान का मेरे को कंफर्म नहीं है, अगर तुमको है तो बताना कमेंट। नेक्स्ट बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है 12th फिल्म मूवी को लेकर, जहां इसके मेकर सेलिब्रेट कर रहे सिल्वर जुबली। मगर क्यों? क्योंकि आफ्टर गदर 1 इंडिया की ऐसी फिल्म बन चुकी है जो 25 वीक्स थिएटर में सक्सेसफुली चली, वो भी OTT पर रिलीज होने के बावजूद। डायरेक्टर यश शंकर एंड कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 में अब मनीषा कोइराला भी केमियो में नजर आ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या रोल होगा देखने के बाद ही पता चलेगा। रामचरण अब एक्टर के साथ साथ डॉक्टर भी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही उनको चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का ऑनर मिला। मतलब आज से हम उनको बोल सकते तुला डॉक्टरेट कोनी दिला रामचरण, डॉक्टर कोनी दिला रामचरण। क्या बढ़िया था गुरु। धनुष एंड ऐश्वर्या का डिवोर्स हो चुका है, अब ऐश्वर्या मांग रही है बच्चों की कस्टडी अपने अंडर। विद्या बालन, प्रतीक गांधी एंड इलियाना डिक्रूज की अपकमिंग पिक्चर 2 और 2 प्यार, मेरे को भी चाहिए और 2 प्यार, प्लीज सब्सक्राइब। इस मूवी के साथ साथ राजकुमार की अपकमिंग पिक्चर श्रीकांत का जोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है, जहां 2 और 2 प्यार रिलीज होने वाली है 19 अप्रैल को LSD 2 के साथ और श्रीकांत रिलीज होने वाली है 10 मई को। आप किसके लिए एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। वैसे राजकुमार की भाई को पत्र लिखा एंड प्रतीक गांधी की नेक्स्ट फिल्म अनाउंस हो चुकी है, जिसका नाम है फुले। ये मूवी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले की बायोपिक रहेगी, जिसमें बताया जाएगा कैसे उन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, जो हमने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा है। लास्ट अपडेट थोड़ी सी शॉकिंग और बड़ी ही फनी है, SS राजामौली ने बाहुबली 3 की शूटिंग कर दी है। क्या बात कर रहे? क्यों तेरे को नहीं मालूम? मतलब ये पक्का IPL नहीं देखता। SS राजामौली एंड डेविड वार्नर ने बाहुबली 3 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, ऐसा मत समझना क्योंकि वो क्रेड यूपीआई का एड था, जिसको तुम खुद ही देख लो। तो ये थे आज के अपडेट, आपको कैसे लग रहे कमेंट में जरूर बताना और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ कल। सिंपल।